कि जब हम छोटे थे कितने खिलौनों से खेलते थे, कितने गड्डियों से खेलते थे। काश वो दिन फिर से वापस आ सकता था। लेकिन गाइस, वो दिन तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन वो जो खिलौने हैं वो वापस से जरूर आ सकते हैं। हम फिर से उस खिलौने से खेल सकते हैं। हालांकि लोग थोड़ा गलत सोचेंगे कि भाई इतना बड़ा होकर भी खिलौने से खेल रहा है, लेकिन वो खिलौना तो खिलौना ही होता है, खिलौनों को किससे इंटरेस्ट नहीं होता है। तो गाइस देखिए, आज के इस वीडियो में हमने कुछ ऐसा गड्डी बनाया है जो गड्डी हमारे पुराने यादों को फिर से ताज़ा कर सकते हैं। गाइस मेरे लगभग 2-3 वीडियोस पर आप देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर ये वाला जो मोबाइल फ़ोन है वो लटका कर रखा है। तो गाइस ये जो फ़ोन है, इस फ़ोन को मैंने सिर्फ और सिर्फ बचपन के यादें को ताज़ा करने के लिए ही बाजार से खरीद कर लाकर इसको लटका कर रखा है। तो जी हाँ गाइस, आज के इस वीडियो में हम हमारे पुराने यादों को, मतलब बचपन के यादों को ताज़ा करेंगे, मतलब एक गड्डी बनाएंगे जिस गड्डी को देख कर, मतलब चला कर आपके भी शायद आपका जो बचपन के यादें हैं वो फिर से ताज़ा हो जाए। तो गाइस इस गड्डी को बनाते समय आपको ऐसे बहुत से भी इंटरेस्टिंग कनेक्शन सीखने को मिलेंगे, जानने को मिलेंगे। इस पर हमने गाइज एक 5 वोल्ट के रिले का इस्तेमाल किया है, मतलब इसके मैकेनिज्म पर भी हमने कुछ चेंजेस किया है, जो कि अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप अच्छे से जान जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक चैनल। अगर आप हमारे परिवार पर नए हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर पसंद आते हैं तो वीडियो को जल्द से जल्द लाइक कर दीजिए। उसके साथ कैसा लगा वीडियो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन पर भी बता सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आपको पूछना है आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन पर भी बता सकते हैं। आपके क्वेश्चन के ऊपर भी जरूर वीडियोस बनाने की कोशिश करें। तो लेट्स स्टार्ट द भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस गड्डी को बनाते समय इसका जो टोटल कैसे बनाया है फर्स्ट से लास्ट तक, इसका वीडियो हमने नहीं दे पाए आपको, उसके लिए बहुत 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 माफ़ी चाहेंगे आपसे। और इसका अगर आप कैसे हमें रीज़न पूछते हैं तो मैं ये बताऊंगा कि भाई देखिए, इस गड्डी को बनाते समय बहुत से दिक्कत ऐसे आए हैं जिसकी वजह से हम इसका वीडियो जो है फर्स्ट से लास्ट तक नहीं बना पाए। लेकिन इस पर हमने क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज़ किए हैं, कैसे इसका कनेक्शंस किए हैं, इन सबको मैं अभी आपको डिटेल्स में बताने समझाने जा रहा हूँ, जिससे कि आपको देखकर आपको भी एक सिंपल सा गड्डी बनाने का आइडिया जो है वो आ जाए। तो गाइस अगर इक्विपमेंट्स की बात करें तो इक्विपमेंट्स पर हमने यहाँ पर लिए हैं एक 6x4 वाले बोर्ड, एक 6x4 वाले पीवीसी बोर्ड, एक 4x4 वाले पीवीसी बोर्ड, और उसके साथ यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया है 4 गियर बॉक्स, और उसके साथ हमने 4 व्हील्स भी, बड़े बड़े मॉन्स्टर साइज के व्हील्स भी इस्तेमाल किए हैं। इन सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएंगे। उसके साथ हमने लिथियम सेल 3 का इस्तेमाल किया है, और उसके साथ कुछ लाइट्स इस्तेमाल किए हैं, कुछ स्विचेस भी इस्तेमाल किए हैं, और इसका गाइस हमने वायरलेस रिसीवर का भी इस्तेमाल किया है, जिस वायरलेस
जिस वायरलेस रिसीवर आपको शायद अलग से नहीं मिलता होगा, इसलिए आप कुछ वायरलेस वाला गड्डी ले लीजिए, उसके अंदर से वो वाला रिसीवर जो है किट को उसको निकाल लीजिए, तो जैसे कि हमने यहाँ पर किया है। तो चलिए गाइस, मैं अभी इसको आपको डायग्राम के तौर पर अच्छे से समझा देता हूँ, और गाइस मेरा वादा है कि आप डायग्राम देखने के बाद जरूर अच्छे से समझ जाएंगे और आपको एक आइडिया भी आ जाएगा कि कैसे क्या कुछ करना है। तो चलिए गाइस डायग्राम शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, कनेक्शन काफी सिंपल सा है। इस पर हमने चार गाइस मोटर्स इस्तेमाल किए हैं, मतलब गियरबॉक्स इस्तेमाल किए हैं, जिन पर के चार मोटर्स लगे हैं। डीसी मोटर्स हैं 5 वोल्ट के, तो हम यहाँ पर सिंपल सा चार मोटर्स ड्रॉ कर देंगे। देखिए ये हो गया हमारा 1, 2, 3, 4, चार मोटर्स हम यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। तो गाइस इस पर आपको दो दो टर्मिनल्स दिखने को मिल जाएंगे, एक है पॉजिटिव का, एक है नेगेटिव का, एक है गाइस नेगेटिव का और एक है पॉजिटिव का। इस तरह से गाइस ड्रॉ कर देंगे। तो अभी हमने यहाँ पर तीन सेल जो है वो पैरेलली लिए हैं, तो यहाँ पर हम तीन सेल भी ड्रॉ कर देंगे। देखिए गाइस यहाँ पर हमने 3-3 वोल्ट के 3 लिथियम सेल्स इस्तेमाल किए हैं, जो कि रिचार्जेबल भी हैं। तो इनके साथ हमने जो चार्जिंग सॉकेट होता है ना, उसको हमने डायरेक्टली लगा दिया है चार्जिंग सॉकेट को, प्लस से प्लस को प्लस के साथ, माइनस को माइनस के साथ हमने डायरेक्टली अच्छे से लगा दिया है। उसके बाद हमने क्या किया है देखिए मैं बता देता हूँ। उसके बाद गाइस हम जो मोटर्स का कनेक्शन कुछ इस तरह से किए हैं, हमने इनको एक सेट में कन्वर्ट कर दिया। देखिए ये लेफ्ट साइड का एक सेट, राइट साइड का एक सेट, तो हमने पैरेलली बहुत अच्छे से पैरेलली जो है उनको कनेक्शन कर दिया एक को, और यहाँ पर भी हमने इन सब के साथ पैरेलली जो है इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। तो गाइस अभी हम चलेंगे हमारे रिसीवर किट के पास। तो यहाँ पर मान लीजिए कि हमारा रिसीवर किट है, और गाइस इसका जो रिसीवर किट पर जो रिमोट कंट्रोल आता है वो कुछ इस तरह से है। रिमोट कंट्रोल मतलब आगे पर पीछे पर एक मोटर, और साइड दो, मतलब लेफ्ट राइट के लिए एक मोटर, मतलब इनके अंदर हमें टोटल दो मोटर्स दिखने को मिल जाएंगे। लेकिन हमने उस किट पर दो मोटर्स मतलब किया, दो तार इस तरह निकले होंगे, मतलब साइड के लिए एक और फ्रंट बैक के लिए एक, इस तरह से दो तार हमारा निकले होंगे। और गाइस इसके बाद इस किट पर, रिसीवर किट पर हम हमारा सप्लाई जो है उसको कनेक्ट कर देंगे। और गाइस ध्यान रहे, इस सप्लाई को आपको एक स्विच के थ्रू कनेक्ट करना है। देखिए गाइस इसका कनेक्शन कुछ इस तरह से हमने कर लिया है। अभी क्या होगा देखिए, ये जो है, ये जो गाइस दिख पा रहे होंगे, ये जो दो तार और ये जो दो तार, तो ये है फ्रंट और बैक के लिए, ये है फ्रंट और बैक के लिए, और ये है लेफ्ट और राइट के लिए। तो अभी आपको क्या करना है देखिए, कनेक्शन कुछ इस तरह से करना है, बड़ा सी सिंपल सा कनेक्शन है, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान लगाते हैं तो अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए तो आपको क्या करना है, आपको एक, हमने यहाँ पर एक 5 वोल्ट का रिले का इस्तेमाल किया है। हमने यहाँ पर एक और बार बता देता हूँ कि हमने यहाँ पर एक 5 वोल्ट के रिले का इस्तेमाल किया है, जो कि है NO टाइप, नॉर्मली ओपन टाइप। इस तरह से हमने एक रिले का इस्तेमाल किया है। देखिए रिले का काम यह होता है, जब ये 5 वोल्ट का रिले है ना, इसलिए इसका काम यह होगा, जब भी इसके कॉइल के पास 5 वोल्ट आएगा, ये अपने कॉन्टैक्टर्स को ऑन कर देगा, मतलब NO को NC में कन्वर्ट कर देगा। ये किस लिए हमने इस्तेमाल किया है ये भी मैं आगे आपको जाकर बता दूंगा। तो गाइस देखिए आपको सिंपल सा क्या करना है, इनको, ये जो रिले को आपको पैरेलली कनेक्ट कर देना है ये एक दो मोटर के साथ, जैसे कि हमने यहाँ पर इसको पैरेलली जो है कनेक्ट कर दिया, और इसके फ्रंट बैक वाले वायर को हम इसके साथ पैरेलली डायरेक्ट जो है वो लगा देंगे। तो देखिए गाइस अभी क्या होगा, अभी अगर हम फ्रंट वाले स्विच को ऑन करते हैं तो हमारा मोटर इन दोनों के पास करंट आ जाएगा, मतलब इन ये दोनों हमारा रन होने लगेंगे। उसके साथ ये कॉइल को जो है, मतलब रिले को ऑन कर देंगे, मतलब ये अपना कॉन्टैक्टर को जो है क्लोज कर देगा, और ये वाला सर्किट को जो है वो क्लोज कर देगा। तो ये अगर क्लोज हो जाता है तो इनको हम कनेक्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से, इनको हम कुछ इस तरीके से जो है वो कनेक्ट कर देंगे, इसको अपने पॉजिटिव के साथ, और एक को हम डायरेक्ट लाकर लगा देंगे अपने नेगेटिव के साथ। तो देखिए गाइस अभी क्या होगा, अभी जब आप इन दोनों को ऑन करेंगे तो हमारा रिले ऑन हो जाएगा, तो वो इस कॉन्टैक्टर को क्लोज कर देगा, इस स्विच को ऑन कर देगा। अगर ये स्विच ऑन हो जाता है तो यहाँ पर से जो हमारा करंट एक प्लस वाला यहाँ पर से मिला है, और गाइस ये जो यहाँ पर से गाइस हमारा नेगेटिव वाला हिस्सा पहले ऑलरेडी यहाँ पर जाकर रखा है, और ये जो गाइस पॉजिटिव वाला हिस्सा है वो इसके थ्रू से यहाँ पर चला जाएगा। मतलब ये होगा देखिए, इसको मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि हमने यहाँ पर स्टीयरिंग्स के लिए कुछ अलग से मैकेनिज्म नहीं लिया है। स्टीयरिंग्स के लिए हमने सिंपल सा ये मैकेनिज्म लिया है कि एक, मतलब एक साइड का मोटर ऑफ हो जाएगा, और एक और दो साइड के मोटर इस तरह से, और एक साइड के मोटर के दोनों मोटर इस तरह से चलने लगेंगे, तो ये इस तरह से अपने अपने मतलब लेफ्ट राइट होता रहेगा। इसीलिए ही हमने ये रिले का इस्तेमाल किया है, ताकि जब हम लेफ्ट राइट वाले बटन से इसको सप्लाई दें कुछ इस तरीके से, तो
जो करंट है वो इसके पास चला ना जाए, मतलब इन दोनों को चलाते समय ये दोनों हमारा मोटर जो है वो ऑफ रहना चाहिए। इसीलिए हमने यहाँ पर रिले का इस्तेमाल किया है ताकि जब ये ऑन रहे ये चले, लेकिन ये ना ये ऑन होने पर ये ना चले। सिर्फ इसीलिए ही हमने रिले का इस्तेमाल जो है वो बड़े अच्छे से किया है। तो गाइस बस इतना ही था इसका फंडामेंटल कनेक्शन, और बाकी कनेक्शन आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही चल गया होगा, मतलब आप जान चुके होंगे कि बाकी कनेक्शन क्या, लाइट का किस तरह कनेक्शन करना है, चार्जिंग सॉकेट तो डायरेक्ट लगेगा बैटरी के साथ, या फिर आप चार्जिंग मॉड्यूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस कुछ इतना ही कॉन्सेप्ट है। तो फिर भी एक और बार मैं आपको बताकर फिर से माफी मांगना चाहूंगा कि हमने इसका टोटल वाला वीडियो नहीं दे पाए, फर्स्ट से लास्ट वाला वीडियो हमने इसका नहीं दे पाए, क्योंकि गाइस बहुत से ऐसे दिक्कतें आए थे उसके साथ। गाइस मेरा तबीयत जो है गाइस बहुत जोरों से खराब है, मैं मतलब गाइस कितने दिक्कत से ये बात बोल पा रहा हूँ, वीडियो बना पा रहा हूँ, सिर्फ मुझे ही पता होगा, आपको पता चला होगा। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही। I was hoping that you would change your ways. Wake up, you blew your final chance. Make up, I'm trying, but I cannot be mad at you. I don't know how you got me weak. I should leave this to get. Your body's calling me for real. My love's like an enemy. Stay awake till the morning. I hate when you leave me. I hate when I'm lonely. When I look back on us, it's starting to sink in. Don't want it to be misunderstood. Rolling in the deep, don't want to break this. 'Cause you must trust me, I can never do you wrong. I'll take a bullet for you. If I lose you, I would not know what to do.
होप कि गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो करना क्या है, आपको तो बहुत अच्छे से मालूम है, फिर भी मैं एक और बार बता देता हूँ बताने में क्या जाता है। आपको वीडियो को जल्द से जल्द करना है लाइक। अगर आपको इस तरह से और भी कंटेंट्स चाहिए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो आप हमारे चैनल को मतलब हमारे परिवार को ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब चैनल को सब्सक्राइब करके। उसी के साथ आपके मन में अगर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ और वीडियोज के कॉन्टेंट है या फिर क्वेश्चन है तो आप हमें बेझिझक कमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हैं। हम आपके क्वेश्चन के ऊपर भी जरूर वीडियोज बनाने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। तब के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। Ain't got no time for that. I've stayed up. I was hoping that you would change your ways. Wake up. You blew your final chance.